Hello everyone. In the previous class, we started with the topic Introduction to Transaction Processing. So what we discussed earlier, so specifically there are two users, either it can be a single user system or a multi-user system. So what was a single user system? That means ki jab ek hi user, that single name se hume imply ho raha hai, agar ek single person hai who is using our system, that means a single user system. ओके अगर हम मल्टी यूजर सिस्टम की बात करते हैं दैट मीन्स कि मोर देन वन यूज़र इज एक्चुअली यूजिंग आर रिसोर्सेज तो हम उसको मल्टी यूजर सिस्टम बोल देते हैं. देन वी गो थ्रू कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी क्या होता है कि जब काफ़ी सारे प्रोसेसेस पैरेलली चल रहे होते हैं, लाइक हम अपने टास्क मैनेजर में देखते हैं तो टास्क मैनेजर में क्या होता है कि देयर आर एन नंबर ऑफ processes which are working simultaneously. So this is concurrency. That means कि जब एक से ज़्यादा processes एक ही time पर execute हो रहे होते हैं simultaneously, so we can say that it is concurrent. ठीक है. Then we discussed about what is transaction. Transaction क्या होती है कि it is a task जो हम करते हैं. ठीक है. उसमें हमने एक transaction boundaries दी थी. Transaction boundaries क्या होती हैं, which implies beginning and the end of the transaction. फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि हमारे पास नॉर्मली हम उसको दो तरह में डिफाइन कर देते हैं, रीड ओनली ट्रांजेक्शन एंड राइट ओनली ट्रांजेक्शन. वट इज़ रीड ओनली ट्रांजेक्शन? रीड ओनली ट्रांजेक्शन मीन्स कि हम सिर्फ अपने जो डेटा को सिर्फ रीड मोड पर लेके आ सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू मॉडिफाई इट और वी आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग इन इट. So that is read-only transaction. What is write-only transaction? Write-only transaction is actually responsible for any modification in our database. Then we went through like what is database? It is nothing but a collection of named data items. So generally we enter these data items uniquely because we want to consider each and every individual data item as a single entity, is a unique identity. So for that unique identification, we give each data item as a unique name to it. Okay. So फिर हम आगे pursue किया था हमने, what was that, कि what are the basic operations of database access? These were read and write. What was read item? Read item x means कि हमने ऐसे assume कर लो, like we have a database named x, उसमें हमने क्या करा है, एक x variable है जिसको हमें read करना है. ठीक है. तो अगर हम read item और x लिखते हैं, that means we are reading an item named x from our database. Okay. And what write item x means? Write item x means we are writing the variable x into our database. Then there were some read and write operations. How we execute them? हम क्या करते हैं, सबसे पहले we need to find out the address at which that specific variable is present. जिसको हमें read करना है, that उसकी location हमें पता होनी ज़रूरी है, otherwise we are not able to read it. हम उसकी location पे जाते हैं, we pick that value and put it in the buffer. फिर buffer से क्या होते हैं, buffer से वहाँ से copy होने के बाद हमें जो program variable name है उसको copy करके हमें उसके बाद हम उसको विजिबल हो जाते हैं और हम उसको देख सकते हैं. देन राइट ऑपरेशंस पे आए थे. राइट ऑपरेशन में भी सेम एज इट इज़, वी नीड टू गो टू द स्पेसिफिक एड्रेस जहाँ पे हम हमें वो वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है और जहाँ पे हमने आगे फर्दर ऐड करना है उसको. फिर हम क्या करते हैं, वैसे सब कॉपी करते हैं डेटा. फिर अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम राइट की बात करें तो इट ऑलवेज नीड सम स्पेस कि अगर उसको वहाँ पर अपनी एक डेटा एंटर करनी है तो हम उसके बाद जो उसके एक मेमोरी अलोट करके और उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हैं. ठीक है. देन हमें कॉन्करेंसी की नीड क्यों थी, व्हाट वाज़ द नीड? सो इट वाज़ कि लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या होता था कि जब हमारे सेम डेटाबेस में जब दो ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं और कई बार ऐसे होता है कि कुछ एक ट्रांजेक्शन चल रही होती है, उसने कुछ अपडेशन करनी होती थी बट वो अपडेट उसने कहीं पे बीच में छोड़ दिया और दूसरे ने आके कोई और उसको रीड कर लिया. सो दिस इज़ अ लाइक ऑफ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. एंड व्हाट वाज टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम? टेम्परेरी अपडेट का क्या है कि
कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेसिफिक टाइम पे फेल हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फर्दर उसको रख देती है, मतलब कि एक बार टेम्परेरी अपडेट रुक जाती है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि परमानेंट वो परमानेंटली उसको ख़त्म कर रहा है। तो जब उसको बाद में रिसोर्सेज फिर से मिलते हैं तो वो उसको बाद में अपडेट कर देता है, ठीक है। देन वह फिर हम आए थे कि ट्रांजेक्शन क्या होती है। ट्रांजेक्शन की हमने एक सिंपल एग्जांपल देखी थी कि लाइक देर आर टू यूज़र, टू बैंक अकाउंट्स ए एंड बी। ए वांट्स टू सेंड सम अमाउंट टू बीज अकाउंट, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल देखी थी, हाउ वाज दैट एग्जांपल। एज अकाउंट में हमने पहले सबसे पहले क्या किया, उस पर्सन का अकाउंट को ओपन किया, फिर हमने उसका जो बैलेंस था उसके अकाउंट में, उसको हमने एक वेरिएबल जिसका नाम हमने ओल्ड डॉट बैलेंस दिया था उसमें जाके हमने कॉपी कर दिया था। एंड देन दैट अभी हमने क्या करना है, वी नीड टू सेंड 500 रुपीज़ फ्रॉम ए टू बी, सो वी नीड टू डिडक्ट दैट 500 रुपीज़ फ्रॉम एज अकाउंट। सो वट वी आर डूइंग, वी आर डिडक्टिंग दैट 500 रुपीज़ फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस वेरिएबल दैट वॉज लाइक, इफ आई से दैट ए इज हैविंग सम 2000 रुपीज़, सो वट वॉज द अमाउंट इन न्यू बैलेंस, दैट विल बी 2000 माइनस 500, दैट विल बी 1500। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू बैलेंस वेरिएबल में हमारी वैल्यू क्या है, 1500। ये 1500 हम किस में जाके कॉपी कर रहे हैं, ए डॉट बैलेंस में। दैट मीन्स वी आर अपडेटिंग आर बैलेंस अकाउंट, वी आर अपडेटिंग द अमाउंट इट आर अकाउंट वॉज एक्चुअली होल्डिंग, दैट वॉज प्रीवियसली इट वॉज होल्डिंग 2000 रुपीज़, आफ्टर डिडक्टिंग 500 रुपीज़ नाउ इट हैज़ 1500 रुपीज़ लेफ्ट बिहाइंड। सो वट वी डू नेक्स्ट, वी विल क्लोज दिस अकाउंट। देन अभी डिडक्ट हो गया है, एंड देन बी के काउंटर साइड पे क्या चल रही है, क्या क्या प्रोसीजर चल रहे हैं। सो वैसे सिमिलरली पहले हम बी का अकाउंट ओपन करेंगे, बी का अब बैलेंस चेक करेंगे। वी नीड टू चेक द बैलेंस ऑफ बी, बीज अकाउंट। सपोज इफ ही इज होल्डिंग ₹1000, ओके, तो अभी क्या है, जो 1000 रुपीज़ है वो ओल्ड बैलेंस में जाके कॉपी हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ न्यू बैलेंस विल होल्ड 1000 प्लस 500, दैट मीन्स 1500। नाउ न्यू बैलेंस बी डॉट बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस विल गिव अस, कि जो बी डॉट बैलेंस में अब 1500 जो है अमाउंट सेव हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हम जब फर्दर चेक करेंगे तो बी के अकाउंट में 1500 रुपीज़ प्रेजेंट होंगे, विच वॉज अर्लियर विद द अमाउंट ऑफ ₹1000। सो देन वी नीड टू क्लोज दिस अकाउंट, ओके। अब हम मेन आगे फर्दर प्रस्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो अभी हम ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन का क्या होता है कि एक बहुत एक स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, एक टास्क है जिसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ लो लेवल टास्क प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी फॉलो होनी चाहिए, किसी भी, ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। वी नीड टू हैव दिस प्रॉपर्टीज़ इफ वी वॉन्ट टू परस्यू टू आर ट्रांजेक्शन एज द बेस्ट ट्रांजेक्शन्स और द बेस्ट पॉसिबल इन एवरी पॉसिबल वे। सो वॉट वर दिस फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? एसिड मीन्स अटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो वट इज अटोमिसिटी? एटोमिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन अटोमिक यूनिट, दैट इज इधर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नन। दैट मीन्स अगर एक ट्रांजेक्शन में सपोज देर आर फाइव स्टेप्स, ठीक है, तो ये फाइव स्टेप्स या तो कंप्लीट होंगे, देन वी विल कंसिडर इट एज अ कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो फिर से इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारा फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, सेकंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, थर्ड हो गया, बट जब हम फोर्थ स्टेप कर रहे थे उस ट्रांजेक्शन में, इट गॉट फेल्ड, तो दैट फोर्थ स्टेप इज नॉट गिविंग अस द एग्जैक्ट क्लियर ट्रांजेक्शन। तो क्या हो रहा है कि हमारे कहीं पे जाके फेल हो रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन है वो स्टार्टिंग पे फर्स्ट स्टेप से पहले चली जाएगी, लाइक दैट मीन्स एट द इनिशियल स्टार्टिंग फेज पे चली जाएगी, ठीक है। देन देर इज कंसिस्टेंसी। वट इज कंसिस्टेंसी? द डेटा बेस मस्ट रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन।
मीन्स कि किसी भी ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट होने पर हमारे जो डेटाबेस है वो उसी तरह से परफॉर्म करना चाहिए जैसे वो अर्लियर परफॉर्म कर रहा था। इट शुड नॉट डीग्रेड इट्स परफॉर्मेंस और इट शुड नॉट ट्रीट आर डेटाबेस सिस्टम एज इन अनस्टेबल कंडीशन। देन व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी क्या बोलती है कि इफ अ कमिटेड ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज दैट चेंज शुड बी ड्यूरेबल इन द डेटाबेस एंड नॉट लॉस्ट इन केस ऑफ एनी फेलियर। दैट मीन्स कि अगर वो कोई भी चेंज हो रहा है तो उस स्टेट में हमारा जो डेटाबेस है वो किस ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो फेल हो जाए कहीं पे। ठीक है। आइसोलेशन इन अ डेटाबेस सिस्टम वेयर मोर देन वन ट्रांजेक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड इन पैरेलल द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेशन स्टेट्स दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस विल बी कैरिड आउट एंड एग्जीक्यूटेड एज इफ इट इज द ओनली ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम। दैट मीन्स इफ इफ आई से दैट देर आर फाइव ट्रांजेक्शंस विच आर गोइंग थ्रू इन आर सिस्टम सो इफ वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग इट शुड नॉट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द फोर ट्रांजेक्शंस। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन बिहेव लाइक एज इट इज द ओनली ट्रांजेक्शन विच इज वर्किंग इन आर सिस्टम और विच इज एक्चुअली मॉडिफाइंग आर डेटाबेस। तो आइसोलेशन में उसको काम करना पड़ेगा। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सो आगे हम जाते हैं। अभी वॉट एक्चुअली कॉजेज आर ट्रांजेक्शन टू फेल लाइक वॉट आर द मेन कॉजेज विच मेक आर ट्रांजेक्शन एज फेल। सो वॉट वॉज दैट? फर्स्टली देर वॉज अ कंप्यूटर फेलियर। दैट मीन्स कि कंप्यूटर फेलियर कब हो सकता है? आइदर देर इज अ सिस्टम देर इज अ हार्डवेयर क्रैश और देर इज अ सॉफ्टवेयर क्रैश। ठीक है। तो अभी हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर से क्या हो जाता है? कई बार हमारा कोई ट्रांजेक्शन चल रही होती है इन बिटवीन देर इज अ सॉफ्टवेयर क्रैश और जिस सॉफ्टवेयर से हम एक्चुअली अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन या अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जिससे हमारे कोई डेटाबेस पे काम प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे क्या होता है वो सॉफ्टवेयर जो है जिस पे काम कर रहे हैं वो कई बार फेल हो जाता है। ठीक है। और आइदर केस इज दैट कि हमारा हार्डवेयर फेलियर हो गया। हार्डवेयर फेलियर क्या हो सकता है? कोई भी कुछ भी इश्यू आ सकते हैं। ठीक है। सो कई बार ऐसे होता है कि दीज हार्डवेयर क्रैशेज क्या करते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है वो भी उससे क्या हो जाती है लॉस्ट हो जाती है। मतलब हमारे पास कुछ भी डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं रह सकता। सॉफ्टवेयर क्रैशेज में क्या हो जाता है कि वो उसको वापस से प्रीवियस स्टेट में छोड़ देता है। अगर सपोज वी आर अपडेटिंग सम एन अपडेटिंग एनी एंटिटी तो वो क्या होता है कि अपडेशन रुक जाती है तो हमारे पास एक्चुअल में तो वही स्टेटमेंट रह ही जाती है वो या स्टार्टिंग फेज ऑफ ट्रांजेक्शन रह ही जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बट इन द केस ऑफ हार्डवेयर क्रैशेज समटाइम्स लाइक अगर इफ आई से कि मेरी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो गया है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्रैश होने से क्या हो जाता है कि समटाइम्स वी कैन रिकवर आर हार्ड डिस्क बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू रिकवर इट। सो वॉट इट डज इट रिमूव्स ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम आर इंटरनल स्टोरेज। ठीक है। एंड द सेकेंड कैन बी अ ट्रांजेक्शन और अ सिस्टम एरर। दैट मीन्स कई बार ऐसे होता है कि लाइक ओवरफ्लो का इश्यू आ जाता है। ओवरफ्लो मीन्स लाइक हमें पता है कि इंटीजर की एक स्पेसिफिक रेंज है। ठीक है। अगर हम उसको उस रेंज को ओवर क्वालिफाइड कर देते हैं उस रेंज से ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट इट डज इट कॉजेज अ एरर। ठीक है। तो जैसे सपोज इफ आई से कि मेरे बैंक अकाउंट है उसमें मेरी लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड करने की मैक्सिमम लिमिट है 50,000। तो मैं क्या करूँ इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग रुपीज़ 50,000 मैं क्या ट्रांसफ़र कर रही हूँ रुपीज़ 1 लाख। सो क्या है कि अभी नंबर ऑफ दैट क्या है वो बढ़ गया। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ओवरफ्लो हो रहा है तो मेरी कभी भी ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो जाएगी इससे। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि कई बार जब हमें पता है कि लाइक इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनीथिंग विद अ ज़ीरो सो डिविजन ऑफ ज़ीरो इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फेलियर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं। देर कैन बी सम लोकल एरर्स। लोकल एरर्स कैसे हो सकते हैं कि सर्टेन कंडीशंस नेसेसिटेट कैंसिलेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डेटा फॉर द ट्रांजेक्शन मे नॉट बी फाउंड।
A condition such as insufficient account balance in a banking database may cause a transaction such as fund withdrawal from that account to be cancelled. Suppose if I'm saying that कि मेरे account में rupees 1 lakh है, ठीक है, और मुझे मैंने क्या बोल दिया कि I made a transaction cut off rupees 2 lakh. मैंने बोल दिया कि मेरे account में से आप 2 lakh जो है वो डिडक्ट करके किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. इन दैट केस क्या हो जाता है कि हम ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट फंड बैलेंस इन आर अकाउंट बिकॉज वी आर लैकिंग विद रुपीज़ 1 lakh. सो दीज आर सम दिस ऑल्सो कॉजेज अ फेलियर इन आर ट्रांजेक्शन. एंड द फोर्थ वन इज कॉन्करेंसी कंट्रोल एनफोर्समेंट. वट इज़ कॉन्करेंसी कंट्रोल एनफोर्समेंट? दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि आर ट्रांजेक्शन इज स्टिल ट्राइंग टू लाइक टू गेट टर्मिनेटेड और टू गेट इट डन, बट क्या हो जाता है कि बार बार उसको जो रिसोर्स चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता. दैट इज़ डेड लॉक. बिकॉज ऑफ डेड लॉक, डेड लॉक में क्या है कि एक जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या है होल्ड करके रख रही है. और जितनी भी उसके बाद जैसे सपोज देर इज़ अ ट्रांजेक्शन T1 एंड देर इज़ अ ट्रांजेक्शन T2, T1 is actually holding all of our resources and T2 is continuously trying out for the resources, but T1 क्या है कि वो resources को release ही नहीं कर रहा. It is not releasing any of the resources. उस केस में क्या हो जाता है because of this कि T1 जो है resources release नहीं कर रहा और T2 को जो resources चाहिए वो नहीं मिल पा रहे. So this arises a problem of deadlock. So this scenario causes a system as a failure. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल एनफोर्समेंट. ठीक है, देन वी विल फर्दर परस्यू टू डिस्क फेलियर. डिस्क फेलियर क्या हो जाती है? एज वी नो कि कई बार क्या हो जाता है कि हम अपने पूरे के पूरे डिस्क ब्लॉक को क्या है वो लूज़ कर देते हैं. वो कैसे लूज़ कर देते हैं कि हमारे जो रीड और राइट हेड, अभी कब कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो उसमें उसके आगे हम एक रीड हेड और एक राइट हेड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे लगा देते हैं. ठीक है, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि आइदर दिस ट्रांजेक्शन इज़ इन रीड मोड और इट इज़ इन अ राइट मोड. सपोज़ हमें सिर्फ अपने हमारे पास फिजिबिलिटी होती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ हमारा बैंक अकाउंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं कि आइदर वी आर ट्रांसफरिंग सम अमाउंट और आइदर वी आर जस्ट चेकिंग आर बैंक अकाउंट बैलेंस. सो जो अगर हमें सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करना है, सो वॉट इज वॉट शुड बी इट इन, इट शुड बी इन रीड मोड बिकॉज वी आर जस्ट रीडिंग आर अकाउंट बैलेंस. ठीक है, तो और कई बार ऐसे हो जाता है कि वी आर ट्राइंग टू लाइक ट्रांसफर सम अमाउंट. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि राइट ऑपरेशन से हम काम कर सकते हैं. दैट मीन्स कि जो मॉडिफिकेशन होगा या नहीं होगा या क्या प्रोसेसेस की क्या आगे फर्दर कंपटीशन होगी, वो रीड और राइट जो हेड होते हैं ना वो क्रैश हो जाते हैं. तो हमें पता ही नहीं लगता कि आइदर हमें उस ट्रांजेक्शन को रीड करना था या राइट करना था. ठीक है, फिर क्या आ जाते हैं अदर जो भी द लेफ्ट ओवर्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्राइसिस हैं, वट आर दीज? फिजिकल प्रॉब्लम्स आर एंड कैटास्ट्रॉफ्स. So this refers to an endless list of problems that include power or air condition failure, fire, theft, sabotage, overwriting disk or tapes by mistakes and mounting of a wrong tape by the operator. That means sometimes abhi hum kya kar rahe hain ki if you are talking about our ATM, theek hai, to hum dekhte hain ki har ATM mein kya ho jata hai, ek air conditioner hota hai. Theek hai, so ye air conditioner kis liye hota hai? Ye air conditioner us मशीन को कूल डाउन करने के लिए होता है. कई बार एयर कंडीशनर के सपोज अगर उसकी डे टू डे चेकिंग नहीं हो रही है, ठीक है, उस जहाँ पे वो एटीएम मशीन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ख़राब हो गया. व्हाट इट कोज? काफ़ी गर्मी है, बहुत इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है उस टाइम पर हमारी जो मशीन है वो ख़राब हो सकती है किसी भी टाइम पर. इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु जिसने अपना एटीएम कार्ड डाला है और वो अपना क्या है कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर ऑफ दैट, कि हमारी सिस्टम, हमारी जो मशीन है वो कहीं पे अटक जाती है कि
डैमेज हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे जाके क्या होगी, फेल होगी। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक एंड थेफ्ट हो सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन कोई एक थेफ्ट बैट है जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी कर रहा है, मतलब इफ़ सेंडर इज सेंडिंग सम इन्फॉर्मेशन टू रिसीवर, तो इन बिटवीन क्या कुछ थेफ्ट होगी, ठीक है, तो वो ऑपरेशंस का क्या है पता नहीं लगा, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिससे हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें कुछ रिकवरी मेथड लगाने पड़ते हैं इस पर, ठीक है। तो जनरली कोई भी ट्रांजेक्शन है वो या तो पूरी तरह कंप्लीट होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। दैट मीन्स अ ट्रांजेक्शन इज़ एन एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क दैट इज ईदर कंप्लीटेड इन इट्स इंटायरली और नॉट डन एट ऑल। दैट मीन्स या तो वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, आइदर कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगी और आइदर इट ये स्टार्ट फेज पे चली जाएगी, ठीक है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकवरी प्रोसेसेस। सो ये जो रिकवरी प्रोसेसेस होते हैं ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने में इंक्लूड करते हैं। वॉट आर दीज स्टेप्स? दीज आर स्टार्ट्स, टर्मिनेट्स, कमिट्स और अबोर्ट्स, ठीक है। जनरली देर आर फाइव ट्रांजेक्शन स्टेट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, और ये पांच कौन कौन से हैं? एक्टिव स्टेट, पार्शली कमिटेड स्टेट, कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट एंड द टर्मिनेटेड स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मींस इनिशियल स्टेट, मतलब जहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन जो एंटर कर रही है, लाइक द एंटर पॉइंट ऑफ आर ट्रांजेक्शन इज नोन एज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इनिशियल स्टेट इज नोन एज द एक्टिव स्टेट, ठीक है। ये जो रहेगी हमारी हमेशा ट्रांजेक्शन जो भी स्टार्ट होगी वो एक्टिव स्टेट से स्टार्ट होगी बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इनिशियल स्टेट फॉर एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। देन देर इज पार्शली कमिटेड स्टेट। वॉट इज पार्शली कमिटेड स्टेट? द ट्रांजेक्शन एंटर्स दिस स्टेट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स कि हमारी जो अभी फुल कंप्लीट नहीं हुई है ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो अभी इन बिटवीन ऑफ ट्रांजेक्शन है, मतलब एक जैसे सपोज एफ एस ए कि मैंने अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ अमाउंट के ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। अमाउंट ए से जो है अमाउंट डिडक्ट हो गया, दैट मीन्स पार्शली कमिट हो गया, ए के साइड से टास्क कंप्लीट हो गया, बी में अभी सेव नहीं हुआ, मतलब बी की जो अभी साइड सेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, तो दिस इज़ नोन एज पार्शली कमिटेड। देन देर इज़ कमिटेड स्टेट। कमिटेड स्टेट कब हो जाएगा? कि जब वो जो 500 रुपीज़ जो या जो भी अमाउंट मैंने ए के अकाउंट से डिडक्ट कर ली थी और पार्शली कमिट हो गई थी, बी के अकाउंट में जाके वो जो अमाउंट है वो जाके स्टोर हो जाती है और अपडेट हो जाती है, देन इट गॉट देन वी कैन से दैट इट इज़ इन द कमिटेड स्टेट। दैट मीन्स कमिटेड इज़ नोन एज द ट्रांजेक्शन एंटर्स दिस स्टेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, दैट मीन्स वेन आर ट्रांजेक्शन गॉट सक्सेसफुल देन वी कैन से दैट आर ट्रांजेक्शन इज इन कमिटेड स्टेट। वॉट इज फेल्ड स्टेट नाउ? फेल्ड स्टेट मीन्स कि इधर ये किसी भी स्टेप पे आ सकती है, इधर एक्टिव स्टेट्स में भी आ सकती है, आफ्टर पार्शियल कमिटेड स्टेट भी आ सकती है, आफ्टर किसी भी फेस में आ सकती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी या ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है और कुछ नेटवर्क एरर आ गया, कोई भी एरर आने की वजह से हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये फेल जो फेल को हम बोल देते हैं फेल स्टेट। और देन देर इज अबोर्टेड और टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है। अब ये क्या हो जाती है? दिस इज अ स्टेट आफ्टर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन रोल बैक्ड आफ्टर फेलर। दैट मीन्स फेलर हो गई है, ठीक है, फेलर होने के बाद हमारी ट्रांजेक्शन फुली कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, ये होने के बाद वो क्या कर देते हैं? रोल बैक कर देते हैं। रोल बैक मतलब फिर से इनिशियल स्टेटमेंट जाके हमारी ट्रांजेक्शन को लीव कर देते हैं ताकि फिर से वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो। बिकॉज वी सेड कि आइदर तो हमारी ट्रांजेक्शन फुल्ली कमिट होगी, फुल्ली कंप्लीट होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं।
ठीक है। तो जो हमारा रिकवरी मैनेजर है जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ रिकवरी मैनेजर? इट हैज़ सम स्पेसिफिक ट्रैक ट्रैक ऑफ सम ऑपरेशन। व्हाट आर दीज ऑपरेशंस? फर्स्ट ऑपरेशन इज बिगिन ट्रांजेक्शन। व्हाट दिस बिगिन ट्रांजेक्शन डू? दिस बिगिन ट्रांजेक्शन मार्क्स एज द बिगिनिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड देन देर इज रीड और राइट। वॉट दीज रीड और राइट डज? दीज रीड और राइट ऑपरेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग विद आर ट्रांजेक्शन। वॉट इज एंड ट्रांजेक्शन दैट नाउ दिस स्पेसिफाइज आर रीड एंड राइट ट्रांजेक्शन ऑपरेशन एंडेड। इट मार्क्स इट एज द एंडेड। दैट मीन्स आइदर वी हैव कम्प्लीटली रेड दैट इंफॉर्मेशन और वी राइट दैट ट्रांजेक्शन इन आर मेमोरी। देन देर इज अ कमिट ट्रांजेक्शन। कमिट ट्रांजेक्शन मीन्स कमिट ट्रांजेक्शन गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट द मार्क्स इट एज अ सिग्नल ऑफ अ सक्सेसफुल और एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, सक्सेसफुल एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, सो दैट एनी चेंजेस एग्जीक्यूटेड बाई द ट्रांजेक्शन कैन बी सेफली कमिटेड टू द डेटाबेस एंड विल नॉट बी अनडन। दैट मीन्स कि हमारी अभी क्या हमने ट्रांजेक्शन करी थी, कमिटेड हो गई है, ठीक है। कमिट ट्रांजेक्शन का हमें इंफॉर्मेशन आ गया, उसका क्या है पॉपअप आ गया। दैट मीन्स कि अभी कमिट ट्रांजेक्शन हो गया, ये कंप्लीट डन हो गया। तो आफ्टर कमिट हम उसको क्या कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में सेव कर देंगे, जो कि बाद में अनडन नहीं होगी बिकॉज इट गॉट सक्सेसफुल मार्क, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया, सो तो अभी हम उसको अपने डेटाबेस में क्या है सेव कर सकते हैं। देन रोल बैक। रोल बैक मीन्स कि हम वापस से उसको इनिशियल स्टेट पे ले आए। दैट मीन्स इट मार्क्स द अनसक्सेसफुल एंड ऑफ आर ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स हमारी सिस्टम, हमारी जो ट्रांजेक्शन थी, इट गॉट फेल्ड एट सम पॉइंट। सो ये जो हमारे मार्क, ये जो अनसक्सेसफुल पोर्शन जो है, वो हमें क्या मार्क कर रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम अपने डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते। वी नीड टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस फॉर दैट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है। फिर देन देर इज अ मार्क एज अंडो। अब अंडो क्या होता है? अंडो मीन्स एक स्टेप बैक जाना, ठीक है। रोल बैक का मतलब होता है कि लाइक अगर उसने 5 फेज कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, तो 5 फेल के वो किसी भी फेज में आगे परस्यू नहीं कर पा रहा है, या कहीं पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन जो लैक हो जाती है, तो वो क्या कर देता है, इनिशियल कोर पे जाके छोड़ देता है हमारे ट्रांजेक्शन को। अंडू क्या करते हैं, अगर हमें सपोज 5th में जाके कभी फेल हो जाती है, हमें पता है कि वो पिछली वाली सारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल होगी, अगर अभी हम एक बार अंडो ऑपरेशन पे चले जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है या जो आ रही थी 5th फेज में, वो सक्सेसफुल हो सकती है, मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है। देन वी यूज अंडो ऑपरेशन, ठीक है। तो रेदर देन कंपाइलिंग ऑल ऑफ द स्टेप्स फॉर द ट्रांजेक्शन, वी जस्ट कंपाइल द प्रीवियस स्टेप ऑफ वेयर वी मार्क्ड आर अंडो। फिर उसके बाद रीडो क्या होता है? रीडो क्या होता है कि हम दिस स्पेसिफाइज दैट सर्टेन ट्रांजेक्शन ऑपरेशन मस्ट बी रीडन टू इंश्योर दैट ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए कमिटेड ट्रांजेक्शन हैव बीन सक्सेस अप्लाइड सक्सेसफुल टू द डेटा बेस। ये क्या करते हैं, ये हमें ये इंश्योर कर देता है कि जितनी भी हमारी कमिटेड ट्रांजेक्शन थी, वो हमारी सारी के सारी सक्सेसफुल डेटा बेस में क्या है, वो सेव हो गई हैं, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं। एक हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, जो हमने अपने पीछे हमने डिस्कस किया था, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएंगी। हमें पता लग जाएगी कि किस किस तरह से स्पेसिफिकली हमारे जो टास्क हैं वो चल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी, बिगिन होगी, बिगिन ट्रांजेक्शन स्टेट में आएगी। दैट मीन्स इट मार्क्स कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले वो किस स्टेट में जाएगी, वो एक्टिव स्टेट में जाएगी, ठीक है। दिस एक्टिव स्टेट में हमें पता लगेगा कि इट इज़ अभी हमने क्या बोला था कि इट इज़ आर इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में यहाँ पे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा रीड और राइट और जो भी ऑपरेशंस हमारे हमने अपने हेडर में या बफर अपने हमने हेडर में डाले थे, मार्क हेड में डाले थे, कि हमें आइधर हमें रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है वो इस एक्टिव स्टेट में आके हम उसको
स्टार्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर जब ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो वो आगे फर्दर प्रस्यू कर देते हैं, एंड ऑफ ट्रांजेक्शन कर देते हैं। मतलब वो जो हमें ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन आई थी, वो हमने कंप्लीटली रीड कर ली और हमने अपनी तरफ से एंड कर दी वो सारी उसकी प्रोसेसिंग। मतलब जैसे अगर सपोज अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई रीड करनी है, कुछ वेरिएबल रीड करना है, रीड वेरिएबल एक्स, बिगिनिंग ट्रांजेक्शन थी, उसने हमें क्या बताया था कि हमें रीड वेरिएबल एक्स करना है, ठीक है। एक्टिव स्टेट में आने के बाद क्या हुआ, वैसे ही उसने एड्रेस फाइंड आउट किया, वहाँ से वेरिएबल एक्स का एड्रेस फाइंड आउट करके वहाँ से डेटा हमें कॉपी करके बफर में डाल के और हमें दे दिया। हमने अब क्या है, एक्स वेरिएबल में जो वैल्यू थी हमने रीड कर ली, हमारी तरफ से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, तो इसलिए हम आगे मार्क कर रहे हैं एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, अगर तो ये एंड ऑफ ट्रांजेक्शन फेज में पहुंच गया, तो क्या हो गया, पार्शली कमिट हो गया। पार्शली कमिट मीन्स कि एक बार जो ऑपरेशन हमने जो करने को बोला था वो कंप्लीट हो गया, और फिर जो जब हम आगे कमिट करेंगे, तो कमिटेड फिर कमिट स्टेट में जाने के बाद जब कमिटेड ट्रांजेक्शन आएगी, तो कमिटेड ट्रांजेक्शन क्या बोलेगी, कमिटेड ट्रांजेक्शन हमें ये बता रही है कि हमने ये जो आपने रीड करी थी वैल्यू, वो हमने जाके, या अगर सपोज आपने राइट की थी वैल्यू, वो हमने जाके अपने डेटाबेस में जाके सेव कर दी। तो दिस कमिटेड इज शोइंग अस दैट कि अभी जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ट्रांजेक्शन की, वो जाके हमारी डेटाबेस में जाके सेव होगी। समटाइम्स क्या होता है, इधर एक्टिव स्टेट में और इधर पार्शली कमिटेड स्टेट में क्या हो जाता है, कभी उसने रीड और राइट ऑपरेशन करना था, बट जब वो रीड करने की कोशिश करा, तो उस वो एक्चुअल में हमारे डेटाबेस में वो कहीं एड्रेस में वो वैल्यू वेरिएबल एक्स का कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो या कभी हमारे डिस्क फेल हो जाते हैं, या विद एनी ऑफ द इश्यूज विच वी डिस्कस्ड अर्लियर हो जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हमारी की पूरी ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हैं, अबोर्ट कर देते हैं। और जब अबोर्ट होगी, तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, फेल होगी, ठीक है। तो फेल होने से क्या करेगा, वो फिर से बिगिन ट्रांजेक्शन पे हमें लेके आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि अभी हमारी एंड होगी ट्रांजेक्शन, पार्शली कमिट होगी, ठीक है, बट जब हम उसको डेटाबेस में स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे डेटाबेस में जाके सेव नहीं हो पा रही है, उस टाइम पे भी हमारी जो ये ट्रांजेक्शन है वो अबोर्ट हो जाती है, ठीक है। ये अबोर्ट होने से भी हमारा जो है फेल का मार्क हो जाता है, ठीक है। ईदर ऑफ द स्टेप विल फर्दर कॉन्टिन्यूड एज टर्मिनेटेड स्टेट। इस टर्मिनेटेड स्टेट से क्या मार्क हो रहा है कि अभी हमारा यहाँ पे एंड हो गया है कोई भी ट्रांजेक्शन का, आइदर अनसक्सेसफुल रही है और आइदर सक्सेसफुल रही है, ये हमारा मार्क कर देता है, ठीक है। दिस इज आर टर्मिनेटेड स्टेट। सो अभी हमने सारे के सारे जो है हमने सारे के सारे जो है अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन सारा का सारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का हमने गो थ्रू कर लिया है। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी ऑफ द इश्यू इन इट, एंड वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट ट्रांजेक्शन प्रोसेस इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।